नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2 अप्रैल 2020, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने COVID-19 के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए मी बड़ी ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मी बड़ी ऐप, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर एंड उसके मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उसके गवर्नर है BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपो 2020 को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता है, एक्सपो 2020 कहाँ पर होने वाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों दुबई। दुबई UAE का देश का एक शहर है, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और कोरोना वायरस के कारण एक्सपो 2020 को एक साल के लिए स्थगित किया जा सकता है, और एक्सपो 2020 UAE के दुबई में दोबारा आयोजित होने वाला विश्व एक्सपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों इंडिया अब्रॉड। इंडिया अब्रॉड जो कि एक भारतीय अखबार है जो कि अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होता आ रहा है, उसका प्रकाशन अभी फिलहाल बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बतूर इलाके में मोदी किचन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। इसमें क्वारंटाइन का मतलब है किसी खास क्षेत्र से बाहर से आए जीवित व्यक्ति या पशु को अलग इलाके में रखना, ताकि उसके साथ कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस आए तो उसे फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा पावर ने किस देश में शुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्जिया। जॉर्जिया में स्थित 178 मेगावाट शुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन टाटा पावर ने शुरू किया है। टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और MD एंड CEO प्रवीण सिन्हा है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने नए लोगों का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंक का एक नया लोगो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है।